फर्जीवाड़ा है। देख रहे थे लगातार हमारे नेता श्री सांसद श्री संजय सिंह जी लगातार उनके जो दोस्त यार हैं मित्र हैं अडानी और अंबानी के खिलाफ लगातार उनके ऊपर भ्रष्टाचार वो लोग जो आपस में बंदर बांट कर रहे थे उनके पोल खोलने का काम कर रहे थे। लगातार गांव कस्बे मोहल्ले में बड़ी बड़ी देख रहे थे कि कहीं महाराष्ट्र जा रहे हैं तो कहीं गुजरात जा रहे हैं, लगातार अडानी के ऊपर हमलावर रहे थे। इससे केंद्र की तानाशाही सरकार और मोदी जी योगी जी ये सब लोग मिलकर उनको जो इंडिया गठबंधन बना है इंडिया गठबंधन से उनको मतलब एक चिढ़ आ गई है कि ये बोलने वाला पर्सन है। संजय सिंह यूपी के प्रभारी हैं, लगातार देखा जाए तो संजय सिंह राज्यसभा सांसद जो लगातार जो है आम आदमी पार्टी के लिए आम आदमी पार्टी के उत्थान के लिए लगातार काम करते चले आ रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या होता है कि ईडी उनसे पूछताछ करती है, पूछताछ के बाद जिस तरीके से उनको जो है जेल के अंदर डाल दिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, उस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। हम आम आदमी पार्टी के दफ्तर कार्यालय में मौजूद हैं और वहाँ तमाम लोग ऐसे हैं जो यूपी से आए हैं और समर्थक जो है लगातार संजय सिंह के करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि पूरा मसला क्या है, कि आज संजय सिंह जो है बहुत जल्द उनको राहत मिल जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने यही बात कह दी है साफ तौर पर कि ये सब जो है कहीं ना कहीं झूठ है, फरेब फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ है ही नहीं। 100 करोड़ का अगर घोटाला हुआ है तो आप 100 रुपए की बात भी कर लीजिए तो काफी। वहीं संजय सिंह जब कल कोर्ट से बाहर निकलते हैं साफ तौर पर ये कहते हैं कि यहां पर कहीं ना कहीं जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो अडानी के नौकर हैं और हम नौकर से नहीं डरते हैं। सर आपका परिचय जानने का करेंगे कि आपका परिचय क्या है? मेरा नाम ललित वाल्मीकि है, मैं यूपी आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और प्रभारी हूँ मलियाबाद विधानसभा का। सर सवाल यही रहेगा कि संजय सिंह जिन उनसे 10-10.5 घंटे की पूछताछ होती है ईडी के द्वारा, क्या आपको लगता है कि 100 करोड़ का घोटाला हुआ है और उन्होंने उनका जो नाम निकला है? देखिए ये सब फर्जीवाड़ा है। देख रहे थे लगातार हमारे नेता श्री सांसद श्री संजय सिंह जी लगातार उनके जो दोस्त यार हैं मित्र हैं अडानी और अंबानी के खिलाफ लगातार उनके ऊपर भ्रष्टाचार वो लोग जो आपस में बंदर बांट कर रहे थे उनके पोल खोलने का काम कर रहे थे। लगातार गांव कस्बे मोहल्ले में बड़ी बड़ी देख रहे थे कि कहीं महाराष्ट्र जा रहे हैं तो कहीं गुजरात जा रहे हैं, लगातार अडानी के ऊपर हमलावर रहे थे। इससे केंद्र की तानाशाही सरकार और मोदी जी योगी जी ये सब लोग मिलकर उनको जो इंडिया गठबंधन बना है इंडिया गठबंधन से उनको मतलब एक चिढ़ आ गई है कि ये बोलने वाला पर्सन है, ये लगातार बोल रहा है, उसी के कारण इनको जो है फंसाने का काम किया जा रहा है। और 10 घंटे की पूछताछ हुई उसमें भी कुछ नहीं मिला, उनके घर पर गए, तकिया फाड़े, दीवार तोड़े, लगातार हमारे वहाँ पे बदतमीजी भी ईडी के लोगों ने की, पर हम लोगों ने उनका सम्मान किया, चलिए ठीक है, उसके बावजूद भी उनको बैठाने का काम सरकार कह रही है कि दिल्ली को शराब की नगरी बना दिया है। अरे जो है दुखी है दिल्ली के? कुछ नहीं दुखी है भाई साहब, ये लोग अपने जो ये लोग आपस में बंदर बांट कर रहे हैं उनके खुलासा ये कर रहे थे, उनसे चिढ़े हुए हैं इसलिए उनको फंसाने का काम कर रहे हैं। बाकी भाजपा आप जान ही रहे हैं किस तरह से वो नौजवानों के लिए काम कर रही है, ना किसी महिलाओं के लिए काम कर रही है। महिलाओं के लिए बात तो कर रहे कि महिलाओं को दिल्ली में ये कर दिया वो कर दिया, महिलाओं के लिए कहाँ काम कर दिया? यूपी के अंदर देखिए लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है, छोटी छोटी बच्चों के साथ में दरिंदगी अपराध। तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी लड़की रात को 12 बजे स्कूटी से निकल जाए तब भी कुछ नहीं होगा? अरे उत्तर प्रदेश में एक बार अमित शाह खुद भी आ जाए कि वो गहने से लदकर आ जाना, उनको पता चल जाएगा कि यूपी के अंदर क्या चल रहा है, जंगल राज चल रहा है। अरे मैं बता तो रहा हूँ कि वो भी अगर कहीं गहने पहन के आ जाए रात के 12 बजे किसी गांव में निकल जाए, मुझको लगता है वो लूट लिए जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज फैला हुआ है, तो ये मत कहें कि यहाँ गैंगस्टर खत्म हो गया या खत्म हो गया है, वहाँ पर भी सिस्टम से जो है आपसों में अधिकारी और विधायकों की बंदर बांट हो रही है। और आम आदमी पार्टी संजय सिंह जी लगातार उत्तर प्रदेश में वो हावी हैं, लगातार वहाँ के जितनी भी पार्टियाँ हैं उनसे सबसे ज़्यादा बोलने का काम हमारे नेता श्री संजय सिंह जी कर रहे हैं,
तो इसी से घबराए हुए हैं। आम आदमी पार्टी पर एक और भी आरोप लगा है कि एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री दी गई, यहाँ पर फ्री की रेबड़ी बांटते हैं, फ्री वस्त्र कर दी, तमाम चीजें फ्री, दारू भी फ्री कर दी। नहीं, फ्री की बात करी जाए तो फ्री की बात में यह है कि चलिए ठीक है कि फ्री फ्री में देखिए भ्रष्टाचार का भ्रष्टाचार ये लोग करते हैं, ठीक है, और हमारी पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी है। अब एक पुल अगर जो है बजट पास हुआ है 7 करोड़ रुपए, उसको 300 करोड़ में बना दे रहे हैं, तो वो जो 400 करोड़ बच रहा है वही पैसा कहीं ना कहीं कहीं बिजली फ्री कर देते हैं, कहीं पानी फ्री कर देते हैं। 30 करोड़ का शीश महल बनवा लिया केजरीवाल। अरे शीश महल ये लोग, और इतना बड़े भाजपा में बड़े बड़े कार्यालय बन रहे हैं वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। बड़े बड़े कार्यालय अभी हम लोग आए, देखिए कार्यालय कितना शानदार यहाँ पे बनाया हुआ है, बहुत शानदार कार्यालय बना हुआ, उसकी कहीं चर्चा नहीं हो रही है, शीश महल की चर्चा कर रहे हैं। अरे ये सब लोग बदतमीज लोग हैं, ये सब बदतमीज लोग हैं, ये सिर्फ उठपटांग। आप कैसे बचा पाएंगे? देखिए आप पहले ही समझ सकते कि मनीष सिसोदिया यहाँ पर पहले से भी जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है, और संजय सिंह एक ऐसी आवाज जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए मजबूती और उत्थान के लिए काम करती आई है। अब संजय सिंह जब जेल पहुंच जाएंगे तो आपको लगता नहीं कि आम आदमी पार्टी का दाहिना हाथ जो है वो खत्म हो गया है? देखिए आप लोग कह रहे हैं संजय सिंह को कहीं कुछ नहीं होना है, वो बाइज्जत बरी होंगे, जो भी ईडी ने उनको 5 दिन की रिमांड पे लिया, जो भी लिया है, वो कहीं कुछ घोटाला नहीं किया उन्होंने, कुछ भी नहीं है, वो कहीं दूर दूर तक नहीं है। हमारे नेता ये समझ लीजिए रेड़ी पटरी वालों की आवाज उठाने के लिए जाने जाते उत्तर प्रदेश के अंदर, जो रेड़ी पटरी की शोषित वंचित समाज की आवाज को उठाते हैं, ठीक है, लगातार वो नौजवानों की आवाज उठाते आ रहे हैं, बेरोजगारी की आवाज उठाते आ रहे हैं, ठीक है, तो ये सब आवाजें वो उठा रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है यहाँ पर कि अरविंद केजरीवाल भी जो है शामिल हो सकते हैं, अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ की जा सकती है, आपको लगता है कि अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का हो सकता है? क्योंकि आप मनोज तिवारी का बयान देख लीजिए, तमाम जो भाजपा पार्टी के नेता उनका बयान यही है यहाँ पर कि अरविंद केजरीवाल भी शामिल रहे। अरे कहीं कोई शामिल नहीं है, ये है कि ये आम आदमी पार्टी से घबराए हुए हैं, एकदम बिल्कुल घबरा गए हैं कि अगर कोई पार्टी है अगर भाजपा को नुस्तो नाबूद कर सकती है और कोई भाजपा को ख़त्म कर सकती है तो वो एक आम आदमी पार्टी है, जिसने दिल्ली के अंदर ऐतिहासिक काम किए, पंजाब के अंदर ऐतिहासिक काम कर रहे हैं, जनता हमसे जुड़ रही है, यूपी हो मध्य प्रदेश हो, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर किस तरह से लगातार किस तरह से हमारे लोग पार्षद कितने जीते, सिंगरौली में हमारी मेयर जीती, कितना जन सैलाब जुड़ता जा रहा है, राजस्थान के अंदर भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं, तो लगातार लोगों का सिलसिला जुड़ने का जारी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को लोग घबराए हुए हैं, एकदम परेशान है कि आम आदमी पार्टी को किसी तरह से भी जो है उनको दबाया जाए। अलायंस का सबसे बड़ा चेहरा संजय सिंह को माना गया और लगातार जो है सवाल राज्यसभा में आपने देखा, संसद में आपने किस तरीके से उठाए हैं, कैसे जो है इंडिया अलायंस को इस बार आप जिता पाएंगे, कैसे चुनौतियां आपके सामने रहेंगी? देखिए इंडियन अलायंस बना, ठीक है, सबसे मुखरता से बोलने वाला हमारा नेता संजय सिंह था, मुखरता से बोलते हैं, ठीक है, तो उसी से ये घबरा हुए हैं कि कोई ना किसी तरीके से इन लोगों को फंसा दिया जाए, इन लोगों को डिस्टर्ब कर दिया जाए, ताकि इंडिया गठबंधन की जो इन लोगों की जो बंदरबाज जो चल रहा है, इनके भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कर रहे हैं उसको गांव कस्बे मोहल्ले में बड़ी बड़ी सभाओं में जो है बोलने का काम कर रहे थे, इसीलिए ये लोग कह रहे थे कि इनको किसी न किसी चीज में फंसा दिया जाए और इनको डिस्टर्ब कर दिया जाए। अच्छा, वही कर रहे हैं। तमाम राज्यों में जो अरविंद केजरीवाल पहुंचते हैं कांग्रेस के अगेंस्ट जो है यहाँ पर कई सारे सवाल खड़े कर देते हैं, हालांकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ये राजनीति का स्तर किस तरीके से दिखाना चाहते हैं केजरीवाल? देखिए वो अब ये स्टेट का मामला है, ये तो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि इंडिया गठबंधन हमारा लोकसभा में भी है, जो कि जो ये सब चीजें हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठा हुआ है वो इन सब चीजों पे डिस्कस करेगा और चीजें रहेंगी। इस पर तो लेकर अंतिम टिप्पणी क्या रहेगी आपकी, संजय सिंह को कैसे जो है बाहर आ सकते हैं, क्या क्या सबूत आप लोग पेश कर सकते हैं? देखिए संजय सिंह भाई हमारे जो है उत्तर प्रदेश किसान है, नौजवान किसान है, शोषित वंचित किसान मजदूर की आवाज है, लगातार अगर 5 दिन के बाद अगर ये लोग फिर से बदतमीजी करते हैं, बाकी मिलना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, एकदम खाली है, बस इनको फंसाने का काम रोकने का काम करें कि इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार ना कर सके, इसीलिए इनको रोका फंसाया जा रहा है, क्योंकि इनकी लगातार इनकी सभाएं लगी हुई हैं, लगातार इनको स्टेटों में बुलाया जा रहा है, इंडिया गठबंधन के लोग ही बोल रहे कि संजय सिंह जी आप जाइए इनकी पोल खोलिए, आप अच्छे से जो है इनकी पोल खोल लेते हैं, तो इसलिए जो है संजय सिंह के लिए नौजवान अपनी जान भी दे सकता है, और अगर 5-6 दिन के बाद अगर ये परिणाम इनका सही नहीं होता है तो फिर से एक बार दिल्ली की सड़कों पर आप देखने को मिलेगा नौजवान किस तरह से
प्रोटेस्ट करता है। आपने यहाँ पर संजय सिंह को लेकर तमाम सवाल सुने कि जो सवाल पूछे गए उसका जवाब क्या था, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि इंडिया अलायंस जो है उसके बाद ही क्यों लगातार इस तरीके का दौर चला है, क्योंकि विपक्ष पार्टियों का यही कहना है कि यहाँ पर जब से इंडिया अलायंस हुआ है तब से कहीं ना कहीं भाजपा पार्टी जो है डर गई है। अब देखना यह पड़ेगा कि संजय सिंह क्या सबूत पेश करते हैं, अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहते हैं, और कैसे जो है यहाँ पर घोटाले को गलत साबित करते हुए आम आदमी पार्टी अपनी जीत दर्ज करती है। आज की इस खास रिपोर्ट बस इतना ही, देखते